अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं कशिश राय और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी चैनल पर रील पर रियल फीडबैक, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूं काठमांडू कनेक्शन का लेटेस्ट रिव्यू जो कि सोनी लिव पे रिलीज हुई है। दोस्तों, ये सीरीज सोनी लिव की ओरिजिनल सीरीज है, तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको ये सीरीज देखनी चाहिए और क्या है कुछ इसके फ्लॉट पॉइंट्स। तो चलिए लेट स्टार्ट द रिव्यू। अब की बार फीडबैक की दरकार में जल्दी से बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू की। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इसकी लीड कास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इसकी लीड कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अमित सियाल, अक्षा पारदर्शनी, अंशुमन पुष्कर, गोपाल दत्त, जाकिर हुसैन जैसे एक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके डायरेक्टर हैं सचिन पाठक। एंड ये जो सीरीज़ है, इसके कुछ 6 एपिसोड्स हैं। शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में आपको 40 से 50 मिनट का रन टाइम देखने को मिलता है, लेकिन आगे जाके ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं 30-30 मिनट्स के सेगमेंट्स में। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन इस पूरी सीरीज में दिखाई गई है। ऑल्सो इस सीरीज में 3 स्टोरीज साइमल्टेनियसली चलती हैं। वो 3 स्टोरीज ये रहेंगी कि एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का मर्डर हो जाता है, एक होटेलियर का किडनैपिंग हो जाता है और एक जर्नलिस्ट को कुछ लोग स्टॉक कर रहे होते हैं। तो लेकिन इन तीनों स्टोरीज का जो इंटरकनेक्शन है, जो धागा है, वो एक ही सुई में पिरोया गया है। दोस्तों जी हाँ, इसके जो तीनों केसेस हैं, ये जो तीनों स्टोरीज हैं, ये कनेक्टेड है टुवर्ड्स अ फोन नंबर जो कि काठमांडू नेपाल को बिलोंग करता है। क्या हमें पता चल पाता है कि इन तीनों केसेस के पीछे कौन है मास्टरमाइंड, किसने इतना शातिर दिमाग चलाया है और कौन ये सारी कॉन्स्पिरेसीज बुन रहा है। इसका जो प्राइम फोकस है, दैट इज नॉट 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। वो उन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया है। इनकी अपनी ही स्टोरी चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी कहानी है, इट इज लाइक अ पजल। अगर एक भी सेगमेंट आपने मिस कर दिया तो आप पजल को पूरा नहीं समझ पाएंगे, आप पजल को पूरा नहीं कर पाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्टोरी में चल क्या रहा है या फिर स्टोरी किस बारे में थी। सस्पेंस थ्रिलर इन दिस काइंड ऑफ स्टोरी आई गेस वॉज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अपलोड द कैरेक्टर्स। बहुत ही नेचुरल उनका यू नो डिपिक्शन है, बहुत ही एक्चुअल उन्होंने कैरेक्टराइजेशन पोर्ट्रे किया है। जो लीड कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है अमित सियाल ने, ऑफिसर समर्थ कौशिक का, उनकी लाइफ में अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन स्टिल वो अपने काम को बहुत ही कमिटेड होकर करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट जो है उन्होंने अपनी तरफ से डालने की कोशिश करी है इन दिस सीरीज। तो ऐसे ही आपको टर्न बाय टर्न कई ऐसे ट्विस्ट मिलते रहेंगे टर्न बाय टर्न, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप करके रखने वाले हैं। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज़ लगी इसमें कि शुरुआत के जो कुछ एपिसोड्स हैं ना, उसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अंत के जो 2 एपिसोड हैं, आई गेस वो बहुत ज़्यादा ही ग्रिपिंग है, तो उसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अंत के 2 एपिसोड को समझने के लिए भी आपको बाकी के सारे 4 एपिसोड जो हैं वो देखने ही पड़ेंगे। इसको बहुत ही कीन नज़रों से देखिए ताकि आपको पता चले कि स्टोरी में क्या घट रहा है। वन टाइम वॉचर तो ज़रूर है गाइज। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर पसंद है तो प्लीज़ इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो दोस्तों, बारी आती है रील पे अब रियल रेटिंग्स। तो भाई, मेरी रेटिंग इस सीरीज़ के लिए रहेगी 3/5। वेल, 2 स्टार्स मैंने इसीलिए डिडक्ट करे हैं, दैट बीइंग सेड कि शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, प्लॉट ट्विस्ट कुछ ऐसे हैं मुझे लगे जो कि थोड़े से अननेसेसरी थे। अगर वो ना भी डाले जाते तो ये थोड़ी सी अच्छी बन जाती, लेकिन उसको अगर साइड रख के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट सस्पेंस थ्रिलर है। मुझे तो अच्छी लगी, डिसेंट लगी, वन टाइम वॉचर लगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने देखी है, तो आप भी देख के देखिए, आपको भी डिसेंट ही लगेगी। तो उसके हिसाब से इसकी रेटिंग मेरी तरफ से रहेगी 3/5। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का रिव्यू समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रभा साक्षी पर मैं पहली बार रिव्यू कर रही हूँ, इस नाते से आप अपने फीडबैक्स भी हम तक ज़रूर ज़रूर पहुँचाइए। और इस सेगमेंट को दोस्तों ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और अच्छे अच्छे रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़ एंड वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ आप तक लेकर के आएंगे। टिल देन, अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।